आज की पार्टी खत्म हो चुकी थी और अक्षय बार को बंद कर रहा था। अक्षय गोवा के सबसे अच्छे बारटेंडर्स में से एक था। सारा सामान एक एक करके उठाकर रख ही रहा था जब किसी ने बार टेबल पर नॉक किया। अक्षय ने सर उठा के पलट कर देखा। एक बेहद खूबसूरत सी लड़की थोड़े नशे में खड़ी थी और उंगली से इशारा करके अक्षय को ही बुला रही थी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी मैम, द बार इज क्लोज्ड, नो मोर ड्रिंक्स। लड़की ने भी मुस्कुराकर उससे कहा कि ड्रिंक्स नहीं, असली चीज चाहिए। अक्षय ने अनजान बनकर उससे पूछा, कौन सी असली चीज? तो उस लड़की ने कहा, कुछ भी चलेगा यार, सिगरेट में भरने वाला, पेपर से लेने वाला, एनीथिंग टू शूट अप। अक्षय को वो लड़की बहुत अच्छी लगी। उसने साफ साफ कह दिया उससे, मैडम आपको पता भी है कि आप क्या मांग रही हैं? एक तो गैर कानूनी है, ऊपर से यहाँ कुछ दिन पहले ही एक ऐसे ही केस में बॉम्बे से आए दो लड़के एक रशियन लड़की को यहीं इसी क्लब से लेकर गए थे, आज तक पता नहीं चला उनका। कोई कहता है कि उन दोनों ने उसका रेप करके उसे मार दिया और फिर उस लड़की की आत्मा ने उन दोनों को मार दिया। तो कोई कहता है कि वो भूत ही थी और ऐसे ड्रग्स देकर लड़कियों का फायदा उठाने वालों को मार देती है। लड़की को ये सुनकर और मजा आ गया। उसने पूछ ही लिया कि अक्षय कैसे ये सब जानता है। तो अक्षय ने कहा कि एक तो मैडम ये यहीं की कहानी है और दूसरी चीज ये सारी कही सुनी बातें हैं, वही कह रहा हूं आपको, वरना मुझे भी कैसे पता चलता। लड़की ने अक्षय से पूछ ही लिया कि क्या क्या कही सुनी अफवाहें हैं इस किस्से के बारे में। तो अक्षय ने सलीके से बताना शुरू किया। उन दोनों लड़कों ने आते ही पहली ही रात एक रशियन लड़की को इसी क्लब में ड्रग्स के लालच में फंसाया और उसका फायदा उठाया। ड्रग्स के ओवरडोज के कारण जब वो लड़की मारी गई तो उसकी लाश को यहीं कहीं समंदर के पास ठिकाने लगा दिया। वो कहते हैं ना कि समंदर कुछ भी अपने पास नहीं रखता, सब कुछ वापस कर देता है। तो बात लाश को ठिकाने लगाने के बाद की है। दोनों लड़के घबराए हुए से वापस अपने होटल पहुंचे। उन्हें नींद तो आने से रही। सुरेन और अनिल दो लड़के मुंबई से आए थे। सुरेन ने अनिल से कहा कि ऐसे होश में जागते हुए हर पल हमें उस लड़की का चेहरा नजर आएगा, उसकी चीखें हमें परेशान करेगी, शराब पी लेते हैं, नशे में सब कुछ भूल जाएंगे। सुरेन शराब लेने किसी दुकान की तरफ निकल पड़ा और अनिल कमरे में ही उसका इंतजार करने लगा। हाल उसका भी बुरा ही था। सुरेन का इंतजार करते करते अनिल टीवी देख रहा था, लेकिन तकरीबन एक घंटे बाद उसे एहसास हुआ कि इतना वक्त तो लगना ही नहीं चाहिए था लौटने में। अनिल ने सुरेन के नंबर पर तुरंत फोन मिलाया तो एक अजीब सी भाषा में आवाज आई, नंबर जो आप पता है नहीं दस्तूपन। अनिल ने दोबारा ट्राई किया। उतनी ही देर में सुरेन ने दरवाजा खोला और अंदर आया तो अनिल ने उससे पूछा कि उसका फोन कहाँ है और ऐसी अजीब सी भाषा में क्यों आवाज आ रही है। सुरेन ने पॉकेट से फोन निकालकर कहा, फोन तो ऑन है और ठीक ही चल रहा है, जरूर नेटवर्क में कोई गड़बड़ रही होगी। अनिल ने हड़बड़ी में अपनी डायल लिस्ट चेक की तो नंबर सुरेन का नहीं बल्कि इंडिया के बाहर का था, प्लस 7495788 4343। अनिल ने सुरेन को नंबर दिखाया तो सुरेन भी थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि एक ऐसा
अजनबी सा नंबर डायल होना नामुमकिन था। इस सवाल का जवाब वो ढूंढे इससे पहले ही उनके कमरे पर किसी ने बड़े सलीके से खटखटाया। सुरेन ने दरवाजा खोला तो बाहर वेटर था, जिसने बताया कि कोई लड़की उनसे मिलने नीचे आकर इंतजार कर रही है। सुरेन ने अनिल से कहा कि वो देखकर आ रहा है कौन है, और वेटर के पीछे पीछे गया। सीढ़ियों से उतरते वक्त 5-6 सीढ़ियां उतरकर उसने दूर से रिसेप्शन पर उस रशियन लड़की को बैठे देखा तो सुरेन के हाथ पांव फूल गए थे। वो डर से सफेद चेहरा लिए वापस कमरे की ओर भागा और कमरे पर पहुंचकर अनिल से कहा, भाई वो रशियन लड़की जिंदा है या उसकी आत्मा है? लेकिन वो ये नीचे रिसेप्शन पर, भाई कुछ तो लोचा है, भाई कुछ तो लोचा है। अनिल उठा और उसने कहा, तो क्या बाहर से ही पीकर आया है बे? हा? चल मैं ही देखूं मरने के बाद में कैसे आ गई यहां तक हमारे पास में। अनिल ने सुरेन का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ नीचे तक लेकर गया तो देखा वो तो कोई दूसरी ही लड़की थी। उसको सुरेन का वॉलेट गिरते हुए दिखा था तो पीछे पीछे वही लौटाने आई थी। अनिल ने थैंक यू बोला और सुरेन को लेकर वापस कमरे में आकर उस पे हंसने लगा और हंसते हंसते ही कहा, देख ले भाई तेरी चुड़ैल ने कहीं पैसे या कार्ड वार्ड तो नहीं चोरी कर लिया। सुरेन ने भी चिढ़ते हुए वॉलेट चेक किया तो उसमें से सारी चीजों के अलावा एक कागज का टुकड़ा निकला जिस पर लिखा था 10वीं दानिया। सुरेन ने कागज अनिल को दिखाया तो अनिल ने इंटरनेट पर इसका मतलब सर्च किया और तब पता चला कि रशियन भाषा में 10वीं दानिया मतलब गुड बाय या अलविदा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, आंखों ही आंखों में दोनों समझ चुके थे कि ये सब क्या हो रहा था। कागज को मुट्ठी में भींचकर सुरेन ने डस्टबिन की तरफ फेंक दिया और पलटकर अनिल की ओर देखकर कुछ कहने को ही था कि एक आवाज हुई, वो कागज का टुकड़ा डस्टबिन के पास वाली टेबल पर ऐसे पड़ा था जैसे किसी ने उस कुचले कागज को वापस खींच तान कर रख दिया हो और उस पे लिखा हुआ 10वीं दानिया साफ साफ दिख रहा था। अनिल और सुरेन वहां से दौड़ते हुए बाहर भागे और सीधे बीच तक पहुंचे। दोनों ही आती जाती लहरों के बीच में पागलों की तरह बस भागे जा रहे थे जब अचानक किसी चीज से टकराकर आगे आगे भागता सुरेन गिरा और फिर उसके पीछे ही आता हुआ अनिल भी गिर गया। पलटकर दोनों ने पीछे देखा तो उसी लड़की की लाश रेत में किसी पत्थर की तरह आधी निकली हुई थी जिससे टकराकर वो दोनों गिरे थे। सुरेन लाश देखते ही तुरंत वहां से भागा लेकिन अनिल लाश के पास ही गिरा हुआ था और लाख कोशिशों के बावजूद उठ नहीं पा रहा था क्योंकि उसका पैर उस लाश ने पकड़ रखा था। अपनी खुली हुई लेकिन खाली आंखों और आधे सड़े खुले मुंह से
वो लड़की अनिल की ओर देख रही थी और एक अजीब सी आवाज उसके गले से आ रही थी। अनिल पूरी कोशिश कर रहा था खुद को उसके चंगुल से छुड़ा लेने की, लेकिन वो तो जैसे कोई शिकंजा था जिसमें अनिल का पैर फंसा हुआ था और ऊपर से आती हुई लहरों में ताकत और पानी बढ़ता ही जा रहा था। अनिल की सांस फूलने लगी थी, आंखों से आंसू छलक पड़े थे और कुछ पलों के लिए तो अनिल सिर्फ हांफता हुआ कोशिश ही करता रहा, पर एक लफ्ज उसके मुंह से निकल नहीं पाया। और अचानक भागते हुए सुरेन को देख के जोर से अनिल जिंदगी की उम्मीद आंखों में लिए हुए चिल्लाया, सुरेन! सुरेन! सुरेन ने रुककर पीछे देखा और बिना कुछ सोचे समझे वापस अनिल को बचाने को दौड़ा और अनिल के हाथ पकड़कर बढ़ते पानी में बड़ी कोशिशें तो की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अनिल की जिंदगी का सारा नमक समंदर के उस खारे पानी ने सोख लिया था और अब बारी थी सुरेन की। सुरेन बड़ी कोशिशों से बचकर पानी से बाहर निकल तो गया लेकिन एक बड़ी सी लहर ने उसको उठाकर रेत पर पटक दिया और सुरेन बेहोश हो गया। बेहोशी से उसकी आंख खुली। सुबह सुबह समुद्री चिड़ियों की आवाजों और कुछ लोगों की बातों से रह रहकर खुलती आंखों से सुरेन ने देखा कि कुछ लोग उसे उठाकर ले जा रहे हैं और दूर पुलिस वाले खड़े हैं और अनिल की लाश को छड़ियों से पलटकर किसी जानवर की लाश की तरह देख रहे थे। ज्यादा देर तक सुरेन अपनी आंखें खुली नहीं रख पाया और फिर बेहोश हो गया। जब आखिरकार उसकी आंख खुली तो खुद को उसने होटल के बेड पे ही पाया। कमजोरी से बहुत बुरा हाल था। टेबल पर रखी हुई दवा खाने को उठाई तो देखा कमरे में पानी खत्म हो चुका था। उसने उठकर रिसेप्शन पर फोन लगाकर पानी मंगवाने की सोची तो बैठ के रिसीवर उठाकर कानों से लगाया ही था कि पलंग के नीचे से एक पानी की बोतल लुढ़कती हुई उसके पैरों से टकराई। सुरेन की आंखें और चेहरा खौफ से सफेद दिखने लगा था। सुरेन के हाथ से टैबलेट नीचे गिर गई। वो सब कुछ भूलकर धीरे धीरे पलंग के नीचे देखने को झुका तो पलंग के नीचे उसने जो देखा उससे उसकी चीख निकलनी तो चाहिए थी लेकिन हलक में अटक कर रह गई थी। पलंग के नीचे बिना आंखों और खुले मुंह वाली वही रशियन लड़की किसी जानवर की तरह कोहनियों और अपने घुटनों पर बैठे उसे ताके जा रही थी। सुरेन जानता था कि भागने से भी सिर्फ कुछ पल ही जिंदगी के बढ़ेंगे। फैसला दिल ने यही किया कि कुछ पल और जी लिया जाए, क्या पता शायद जान बच ही जाए। शायद ऊपर वाले ने भी उसकी सुन ली थी। बाहर बादल गरजे और सूखी बरसात शुरू हुई। उसी बरसात में सुरेन कमरे से निकल के सीधा होटल से बाहर भागा और कमरे से लेकर
होटल के रिसेप्शन के पार तक उसे गौरतलब रूप से एक भी आदमी दिखाई नहीं दिया। सुरेन होटल से निकल के सामने की सड़क पार करके समंदर के साथ साथ भागने लगा कि शायद जान बच जाए, और रह रहकर पीछे देखता रहा तो पीछे या कहीं भी दाएं बाएं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि बरसात इतनी तेज थी कि कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। समंदर की लहरें भी ऊंची ऊंची छलांगें मारती हुई उफान मारने लगी। सुरेन भागते भागते काफी आगे आ चुका था। एक पल को उस बरसात में हांफता हुआ सांस लेने को रुका तो उसे एक बांस पर छत से दिखी। सुरेन ने हांफते हुए उसके नीचे जाके खड़े होने को कदम आगे बढ़ाया ही था कि उसकी चीख निकल गई। वहां ध्यान से देखा तो पाया टूटी हुई कांच की बोतलें पड़ी हुई थी, जिसका टुकड़ा उसके पैर में गहराई तक धंस गया था। सुरेन ने दर्द से रुक रुक कर चिल्लाते हुए वो कांच का टुकड़ा पैर से निकाला और वहीं बैठकर पैर को फूंक मारता रहा, और थकान और दर्द से आखिरकार निढाल होकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली कि तभी एक बड़ी सी लहर आई और एक बार फिर सुरेन की चीख निकल गई। समंदर का नमकीन खारा पानी उसके जख्म को जला रहा था, लेकिन सुरेन किसी तरह खुद को संभाल कर पानी से बाहर निकला और सुस्ताने को आंखें बंद किए बैठा हांफ रहा था तो अचानक ऐसा लगा जैसे कोई हाथों और पैरों के बल चलता हुआ उसके पास आकर चेहरे के बिल्कुल सामने रुक गया। डरते डरते सुरेन ने अपनी आंखें खोली तो सामने अपने चेहरे से ठीक 2 इंच की दूरी पर उसी लड़की का बिना आंखों और खुले मुंह वाला चेहरा दिखाई दिया। उस लड़की के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। चीख और उसका चेहरा एक साथ एक ऐसा नजारा थे कि सुरेन के दिल की धड़कन डर के मारे वहीं उसी पल रुक गई। सुरेन की हार्ट फेल होने से मौत हो चुकी थी और लाश आज तक नहीं मिली। उस लड़की ने अक्षय के मुंह से यह पूरी कहानी सुनी और हंस पड़ी। उस लड़की के इरादे शायद कुछ आगे बढ़ने के थे। उसने पूछा, मौसम बहुत अच्छा है, मेरे साथ वॉक पे चलोगे? अक्षय का काम खत्म हो ही चुका था। मुस्कुरा के उसने हां कर दी। लहरों के बीच से चलते हुए उस लड़की ने अक्षय से एक ही सवाल ये पूछा, आखिर तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? तो अक्षय ने बताया कि सब सुनी सुनाई कहानियां थी, जो उसे पता चली थी तो उसने बता दिया। ये सुनकर लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, ये नहीं बताओगे कि आखिर उस लड़की की ड्रिंक में वो रेप ड्रग वाला टैबलेट तुम्ही ने डाला था? अक्षय ने पलट कर उस लड़की के चेहरे को देखा तो ये वही बिना आंखों वाला सड़ा गला सा खुले मुंह वाला चेहरा था उसी रशियन लड़की का। लहरें बढ़ने लगी, पानी के थपेड़े किसी हथौड़े जैसे लगने लगे और अक्षय चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके पैर आती जाती लहरों के रेत से मिट्टी में धंसने लगे। पानी धीरे धीरे सर के ऊपर उठने लगा और अक्षय को
पानी के अंदर ही समझ आया कि वो लड़की ठीक उसके पास खड़ी उसके मरने का इंतजार कर रही थी। अक्षय की लाश रशियन लड़की के साथ अनिल और सुरेन की तरह आज तक नहीं मिली है।